ये कहानी है तीन बैल और दो पपीज की। एक बैल जो यहाँ आना नहीं चाहता था, एक जो यहाँ से जाना नहीं चाहता था, और एक जिसे छोड़ के हमें फिर वापस लाना पड़ा। और रही बात पपीज की, तो आप खुद ही देखिएगा। चल चल चल। बढ़िया जा जा। आलू बोंडा ही एकदम। तू कड़ी लाइट बंद कर। तू कड़ी लाइट बंद कर। चले। अरे दफा हो गया एक बारी में। मौका ढूंढ रहा था मौका। नहीं बड़ा कुछ करता है। रास्ता लूज रखो। रास्ता लूज लूज करो लूज। ए अंद्रेलिया मुड़िया। ओ मुड़िया मार अंद्रे गाली हिट लगा। क्या कहना चाहोगे इतना डीट बैठे। मजा आएगा मेरे को नहीं तो बस देखना है। नहीं यार बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इनकी सेफ्टी का ना। परेशान तो नहीं है थोड़ा इसने। रुक जा रहा था चलता चलता। अरे कल कर रहा था। मारता है क्या ये को हमने एनएस मेट्रो से साफ करके फिर हाइपोटोनिक गोज लगा के बैंडेज कर दिए। यहाँ इसके एक आँख में भी प्रॉब्लम है। What happened brother? दिख रहा है सर? नहीं। अंधा है ये? इस जिद्दी बैल को एक आँख से दिखता नहीं और अब शायद इसीलिए कई लोग इसको काना भी कहेंगे। पर काना का एक और भाषा में अर्थ होता है शक्तिशाली। बस बच्चों कहाँ से निकल रहा है? ओए ओ देखो धीरे यार लगी ना यार आप भी कहाँ से चढ़ रहे हो। यस घोरी रिलीज हो रहा है। कैसा था इसका बिहेवियर? कैसा था? अग्रेसिव है बोली। पास नहीं आने देता किसी को भी। ओ ओ ओ ओ हाँ समझ गया। देख के आप अब आराम से चलो गोरी। जितना तंग हमें यहाँ पे बैल आने से पहले करते हैं लगभग उतना ही तंग हमें कई बैल जाने से पहले भी करते हैं। ओए आराम से। क्योंकि जब हम उन्हें लेके आते हैं तो उन्हें लग रहा होता है भाई पता नहीं कौन अत्याचारी लोग हमें ले जा रहे हैं। पर जब यहाँ आके उन्हें एक सेफ स्पेस मिलती है तो फिर वो वापस अत्याचारी दुनिया में नहीं जाना चाहते। हमें भी उन्हें छोड़ते हुए उतना ही बुरा लगता है क्योंकि हमें पता है कि वो अगले दिन अगले हफ्ते अगले महीने कभी भी फिर वापस आ सकते हैं जैसे गंगाधर वापस आया जिससे हम आपको थोड़ी देर बाद मिलवाएंगे। बेबी घूमो आप। ओह माय गॉड। थोड़ा सा स्किन का इशू बचा है ना तो उसका लास्ट शॉट जाना था। बेबी आप भी घूमो। इसको स्किन का इशू था। अब वो रिकवर हो गई है तो उसको हम रिलीज कर रहे हैं। कान में छोटा सा हल्का सा बोन भी हो गया था उसको। अच्छा। अब उसको ठीक हो चुका है। ये साइड
सुअर से बचाने के लिए पतली सी तार की फाई लगाते हैं, वो उसके गले में फंस गई है, अब उससे उसका गला कट रहा है। ये कुड़ी हो। चाचा आ गई। पकड़े पकड़े जरा की आई। आ जाओ खाने को डाल दो। पकड़ना, खा नहीं रही ना, वो तो सुबह भी रोटियां बड़ी ट्राई की हमने। आपके हाथ मजबूत करना पड़ेगा बाबे। मजबूत नहीं है हाथ से आपके। नहीं यार छोड़ा नहीं होता तो मैं घुस जाता। गई एक दो दिन कोशिश करो, बाउंड्री के अंदर चली जाएगी, जैसे बाउंड्री के अंदर जाती है आप हमें कॉल कर दो, हम आ जाएंगे लेने। नवीन भाई यहाँ क्या कर रहे हैं? वो बैल को देखने भेजे थे ना, एक टेस्टिकल वाला बैल जो गंगाधर नहीं था, उसको फिर से टेस्टिकल में इंजरी हो गई। फिर से कैसी हो गई? पता नहीं, अभी देख के लगा पता कि किस चीज़ का काट है। यहाँ पे यार शक्तिमान आया हुआ है, गंगाधर ही शक्तिमान है। शायद इसको पता लग गया। हाँ ले आ जा बच्चा, बच्चा मेरा आ जा। आप जा रहे हो? डांट मारने आए थे? हाँ डांट गन मारने आए थे बस। हाँ जी तुम्हें बोला कर इसमें सुना देता। जाओ फिर क्यों रुके हो? बस हेलो कर लूँ। ये अचानक से जाग ना जाएगी बस। जा जा बच्चो, गंगाधर ज़्यादा डोज दी क्या सारे भाई ने आज? नहीं नहीं डोज तो ये देते हैं वही है, टेस्टिकल पूरा फट गया। और जो अपने पास आया था इतना था क्या चाचा कि इससे कम था? पहले तो कम था। ये रोड में मिला और टेस्टिकल मतलब खराब हो चुका है इसका। कैसे लगा टेस्टिकल में? तो मुझे नहीं पता, तो मैंने अभी देखा तो आपको फोन किया तो आप आ चुके हैं इधर। लेट बार ना अंकल, लेट लेट नहीं कहानी कहानी है। हां चाचा देख के आराम से, कुछ नहीं हुआ गंगू। तो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पता ही हुआ कि अच्छी जगह ही ले जा रहे हैं। हां वो तो है। जो लोग समझते नहीं कि जानवर का भी दर्द भरा दिन उतना ही मुश्किल से कटता है जितना हमारा, वो मुझसे पूछते हैं कि जब कल फिर उन्हें दर्द हो सकता है तुम आज क्यों इतनी मेहनत करते हो? उनको मैं यही जवाब देता हूं कि देखिए इनका कल खराब होगा या नहीं ये अनिश्चित है, पर इनकी आज मदद करके मैं अपना अच्छा कल सुनिश्चित कर रहा हूं।